हम तो बधाई देता हूं मुसलमान भाइयों को कि जो इनकी मनसा थी कि हम मंदिर में वहां अयोध्या जाकर के हम लोग हल्ला करेंगे तो मुसलमान आंदोलित होगा, गुस्सा होगा, विवाद होगा, तो दंगे हो सकते हैं, तो हिंदू और मुसलमान सेंट्रलाइज होगा, तो हिंदू वोट इनके खाते में आएगा। लेकिन बड़ा संयम से मुसलमान भाइयों ने बड़े संयम से काम लिया है, इसलिए उनको हम धन्यवाद देते हैं कि आपने जो काम किया है वो बहुत काबिले तारीफ है कि आप संयम से काम लिए और इनका सारा किया करा फेल हो गया। ये सिर्फ कहते हैं ना, इनको कोई रोक रहा है? अभी भाजपा के बड़े नेताओं के बयान आ रहे हैं कांग्रेस रोड़ा बनी हुई है, पूरे देश में सरकार आपकी है, पूरे सभी लोग आपके अधीन हैं और कांग्रेस का दोष दे रहे हैं। हमारी वार्ता शिष्टाचार, हम एक राजनीतिक दल हैं, दल के मालिक हैं। हमारा संबंध मायावती जी से भी है, हमारा संबंध अखिलेश जी से भी है, हमारा संबंध शिवपाल जी से भी है, हमारा संबंध अमर सिंह जी से भी है, हमारा संबंध ऑलरेडी अमित शाह से है, ये है हमारा संबंध लालू यादव से है, शरद पवार से है, हमारा संबंध संजय राउत से है, हमारा तो सबसे संबंध है। बाहर न दिखता है कि संबंध नहीं है, सारे नेता एक जगह एक कैंटीन में बैठ करके चाय पीते हैं, शिष्टाचार करते हैं, जनता को खाली गुमराह करते हैं कि तुम इस पार्टी से उस पार्टी से बात मत करो।